सो गाइस, अब हम आते हैं टिप्स आफ्टर होली पे, जिसमें कि वो टिप्स मैं आपको बताऊंगी जो कि हमें कलर्स खेलने के बाद जब हम आते हैं तब जिन चीजों को हमें फॉलो करना है ताकि हम अपनी स्किन को विदाउट डैमेज किए हुए कलर्स को निकाल पाए, वॉश ऑफ कर पाए एंड अपनी स्किन को एंड अपने हेयर्स को, अपनी स्कैल्प को रिलैक्स फील करवा पाए। सो गाइज, टिप्स बिफोर होली में मैंने आपको काफी चीजें बताई, अगर आप वो टिप्स को फॉलो करेंगे मेरी तो आपको कलर्स खेल के आने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा और बहुत इजीली आपके कलर्स निखेले होंगे, आपकी जो भी स्किन में कलर्स पहुंचे हैं, स्कैल्प में, हेयर्स में, वो बहुत इजीली निकल जाएंगे। सो स्टार्ट करती हूँ मैं पहले टिप से। अब आप कलर्स खेल के आए हैं, आपके फेस पे, आपके हेयर्स पे, आपकी बॉडी में बहुत सारा कलर लगा हुआ है, तो आपको डायरेक्टली अपने स्किन को या अपने फेस को वॉश नहीं करना है। अगर आपने ड्राई कलर्स खेले हैं तो आप उनको सिंपली कोई क्लॉथ लेकर उसको डस्ट ऑफ कर दीजिए, देन उसके बाद आपको कोकोनट ऑयल और जॉनसन्स बेबी ऑयल, और अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं तो कच्चा दूध आप ले सकते हैं या फिर क्लिंजिंग मिल्क। ये फोर ऑप्शंस हैं, चारों में से कोई भी चीज़ आपके घर में जो भी अवेलेबल हो वो चीज़ ले लीजिए, एंड देन वो आपको अपनी स्किन में, फेस में या स्किन में जहाँ भी आपके कलर्स लगे हों, स्टेन्स लगे हों कलर्स के, वहाँ पे आपको अप्लाई कर लेना है और 2 से 3 मिनट के लिए आपको उसे वैसे ही छोड़ देना है। देन सिंपल आपको कॉटन लेकर या कोई भी सॉफ्ट क्लॉथ लेकर आपको अपने जहाँ पे आपने अप्लाई किया है ऑयल या कच्चा दूध, आपने जो भी अप्लाई किया है उसको आपको वाइप ऑफ करना है, एंड यू विल सी कि 40 to 50% कलर तो आपका वहीं पे रिमूव हो जाएगा जब आप ये टिप को फॉलो करेंगे कलर छुटाने के लिए। आफ्टर दैट आपको बहुत ही माइल्ड क्लेंजर यूज़ करना है अपनी स्किन पे, या अगर आप सोप भी यूज़ करते हैं तो कोशिश करिए माइल्ड सोप एंड बहुत ही माइल्ड क्लेंजर्स का इस्तेमाल करें, से अपने कलर्स को रिमूव करने की कोशिश करें, एंड प्लीज़ डोंट यूज़ हार्श मेथड्स टू वॉश ऑफ योर कलर्स। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि डिटर्जेंट बार ले लेते हैं एंड अपनी स्किन पे बहुत कायदे से उसको अप्लाई करके एंड देन कलर निकाल देते हैं और बहुत बहुत खुश भी हो जाते हैं बाद में कि यार मैंने तो देखो घर धोने वाले साबुन से कलर छुड़ाया, कितना सारा छूट गया, सर में भी, हेयर्स में भी अप्लाई करते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर अप्लाई कर रहे हैं, आपका कलर भी छूट जा रहा है बट आपको नहीं पता चल रहा है कि वो आपकी स्किन को कितना ज़्यादा डैमेज कर रहा है, आपके हेयर्स को कितना ज़्यादा डैमेज कर रहा है। सो प्लीज़ अवॉइड हार्श मेथड ऑफ वॉशिंग ऑफ योर कलर्स। कोई बात नहीं, अगर आपका कलर पूरा नहीं भी छूट पाएगा तो इट डजेंट मैटर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, होली थी, सब कलर खेलते हैं, थोड़ा बहुत अगर रह भी जाता है उसी दिन तो वो 2-3 दिन में आराम से, जब आप बाथ लेंगे या जब आप अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे तो 2-3 दिन में वो आराम से निकल जाएगा। उसको तुरंत तुरंत निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेथड्स या हार्श मेथड्स का यूज़ करने के या बहुत ही केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। देन उसके बाद जब हम अपने स्कैल्प को वॉश करेंगे, हेयर्स को, तो पहले पानी से आपको अपने स्कैल्प को वॉश करना है ताकि आपका जितना कलर है आपके सर में निकल जाएगा कलर। देन आप शैम्पू इस्तेमाल करिए, कोई भी माइल्ड शैम्पू लीजिएगा प्लीज़। देन आप अच्छा सा कोई कंडीशनर इस्तेमाल करिए अपने बालों के लिए। देन आपने अच्छे से बाथ ले लिया, अपने हेयर्स क्लीन कर लिए, अपने स्किन को, अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया, देन आपको बहुत अच्छे से एंड लिबरल अमाउंट, बहुत ढेर सारा आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है। अपनी पसंद का कोई भी मॉइस्चराइजर आप ले सकते हैं, अगर आप मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो कोकोनट ऑयल, जॉनसन्स बेबी ऑयल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद इफ इन केस आपकी स्किन में कोई इरिटेशन होती है या रेडनेस होती है या आपको बहुत इचिंग हो रही है, देन आप उस जगह एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, एंड इफ इन केस वो कंटिन्यू रहती है कुछ टाइम तक तो प्लीज़ किसी अच्छे स्किन डॉक्टर को कंसल्ट करिए, आप दिखाइए उन्हें कि ये क्यों हो रहा है। छोटे बच्चों की अगर मैं बात करूँ, 4-5 साल से 11-12 साल तक की उम्र वाले जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनमें एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है कलर्स खेलने का, उनको बिल्कुल भी सुध-बुध नहीं रहता है कलर्स खेलते टाइम, तो उनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप करना है होली खेलने जाने के पहले, उनकी स्किन में ऑयल, एलोवेरा जेल या जो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करिए, उनको फुल स्लीव्स के कपड़े ही पहनाइए, एंड होली खेल के जब वो आते हैं तो भी
पे बहुत ध्यान दीजिए कि उनके कलर्स को रिमूव करने के लिए तो बिल्कुल भी कोई हार्श मेथड डिटर्जेंट बार्स का इस्तेमाल मत करिए। और मैं कुछ उपटन आपको बता देती हूँ जो कि मैं बचपन से यूज़ करती थी, जो मेरी मदर मेरे लिए हमेशा मेरे और मेरे भाई के लिए बना के रखती थी। जब हम लोग होली खेलने जाते थे उसके बाद मम्मी वही उपटन लगाया करती थी जिससे कि मेरा पूरा कलर इतना ईजिली चला जाता था और हमें बिल्कुल भी उसके बाद ना इरिटेशन होती थी ना कोई दिक्कत होती थी। ये जो उपटन है भी इस्तेमाल कर सकता है बच्चों से लेके बूढ़े तक। तो जब आप अपने फेस को क्लेंस कर लेते हैं अच्छे से, देन उसके बाद आपको एक उपटन बनाना, घर के सामान से ही वो बन जाएगा। तो यहाँ मैं दो टाइप्स के उपटन आपको बताऊंगी। एक उपटन ये ही बॉडी पे बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं आप, एंड एंड ड्राई स्किन वाले इसको अपने फेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपको चाहिए बेसन एंड चोकर। जब हम आटा चालते हैं तो उसमें जो हमारा लेफ्ट ओवर रह जाता है थोड़ा आटे का जो मोटा भाग होता है वो आपको लेना है चोकर। और अगर चोकर ना मिले, क्योंकि आजकल लोग पैकेट आटा खरीदते हैं, तो चोकर ना भी हो तो आप सिंपल आटा ले लीजिए, बेसन चोकर। देन आपको मिल्क लेना है, रॉ मिल्क अगर मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट है, एल्स आप नॉर्मल मिल्क भी ले सकते हैं। मिल्क एंड कोई भी ऑयल, कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल या जॉनसन बेबी ऑयल, एनी ऑयल भी आपके घर में अवेलेबल हो इजिली वो आप ले लीजिए। पिंच ऑफ टर्मरिक, सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स करना है आपको, एंड देन उसके बाद आप अपनी बॉडी पे इसको अच्छे से लगा सकते हैं और फेस पे भी लगा सकते हैं। देन जिनकी ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, उनके लिए मैं एक उपटन बताना चाहूंगी आप लोगों को कि जौ का आटा आप ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा बेसन मिक्स कर लीजिए, ये रेशियो सेम होना चाहिए वन। देन उसमें कच्चा दूध, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि रॉ मिल्क ही उसमें ऐड करना है। देन उसमें गुलाब जल थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, हाफ स्पून या वन स्पून, एंड कुछ बूंदे आपको उसमें लेमन की मिलानी है। अच्छे से मिक्स करके अप्लाई कर लीजिए अपने फेस पे या बॉडी पे एंड छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए सेमी ड्राई होने पे। उसको इस तरीके से आप छुड़ाएंगे, उपटन को हमेशा रब करके ही छुड़ाना चाहिए। उससे क्या होता है ना, हमारी बॉडी में जो डेड स्किन होती है जिसे हम मैल भी कहते हैं, डेड स्किन एंड कलर दोनों साथ में निकल जाते हैं और बहुत ईजी हो जाता है, एंड स्किन इतनी सॉफ्ट एंड सपल हो जाती है उसके बाद कि यू विल लव योर स्किन आफ्टर दैट। मैं यहाँ पे फेस मास्क आपको बता देती हूँ। जब आप एकदम रिलैक्स हो जाएं, देन अब आप अपनी स्किन में इसको अप्लाई करें कि स्किन को बहुत ही कामिंग इफेक्ट मिलेगा, बहुत सूद हो जाएगी आपकी स्किन एंड बहुत ही रिलैक्स फील करेगी। सारे स्किन टाइप के लोग इस फेस मास्क को यूज़ कर सकते हैं। पपाया ले लीजिए, उसे मैश कर लीजिए, उसमें कर्ड मिक्स कर लीजिए, 1 टेबल स्पून कर्ड, मतलब इतना कि वो पेस्ट बन जाएगा अच्छा सा, एंड अपने फेस पे बहुत अच्छे से अप्लाई कर लीजिए एंड लीव इट फॉर 5 to 10 मिनट्स एंड वॉश इट ऑफ। आप देखेंगे कि बहुत रिलैक्स मिलेगा, बहुत काम फील करेगी आपकी स्किन। नाउ गाइज, हेयर पैक्स भी आपको बताना चाहती हूँ। हेयर पैक्स के लिए आप सिंपल कर्ड ले लीजिए, हैंग कर्ड लीजिएगा, गाढ़ा दही जो होता है, 1 या 2 स्पून आप ऑयल मिक्स कर लीजिए, कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं बट कोकोनट ऑयल इज बेस्ट। और अच्छे से मिक्स करके अपनी स्कैल्प में इस तरीके से जो हम पार्टीशन करते हैं ना, इस तरीके से आपको अच्छे से लगाना है एंड अपने हेयर लेंथ में लगाना है, एंड देन उसके बाद 30 to 40 मिनट्स रखने के बाद आपको किसी भी माइल्ड क्लेंजर से वॉश ऑफ करके अपने कंडीशनर अप्लाई कर लेना है। मैं एक बोनस टिप मैं आपको और देना चाहूंगी कि जब हम होली कलर्स खेल के आते हैं तब हम इतने ज्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं, इतने ज्यादा टायर्ड होते हैं कि मुझे लगता है कि जितनी भी टिप्स मैंने आफ्टर होली दी हैं शायद ही कोई कर पाएगा। सो आप एक ये काम कर सकते हैं कि आप जब होली खेलने जा रहे हों उसके पहले जो टिप्स बिफोर होली मैंने दी थी, जब आप वो अपने टिप्स को फॉलो कर रहे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे मेरी उन टिप्स को, तब आप एक काम करिएगा कि आपका उपटन जो है उसको बना के फ्रिज में स्टोर कर दीजिएगा, आपका जो फेस मास्क है उसको भी बना लीजिएगा और फ्रिज में स्टोर कर दीजिएगा। एंड एलोवेरा जेल की लीफ जो होती है, एलोवेरा प्लांट की लीफ, उसको आप कहीं, अगर आपके घर में नहीं है तो आप कहीं से भी अरेंज कर लीजिएगा तोड़ के और अपने फ्रिज में उसको रख दीजिएगा। जब आप होली खेल के आएंगे तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज आप ऑलरेडी इतने थक चुके होंगे कि आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे उस समय। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें तैयार की हुई रखी रहेंगी तो बहुत ईज रहेगा, आप बस फ्रिज से निकालेंगे एंड अप्लाई करेंगे एंड जल्दी से आप फ्री हो जाएंगे। सो मेरी इस टिप को फॉलो जरूर करिएगा। सो गाइज, ये थे मेरे टिप्स बिफोर एंड आफ्टर होली। मेरी तरफ से मेरे सभी व्यूअर्स को और उनकी फैमिली को हैप्पी होली एंड सेफ होली,
एंड मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी वीडियो के अंत में, कलर्स खेलते टाइम आपको अपनी लिमिटेशंस को बिल्कुल नहीं भूलना है. एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड रिस्पॉन्सिबल एक ह्यूमन बीइंग का कर्तव्य निभाएगा इस फेस्टिवल पे, ताकि जो कि आपके आसपास के लोग हों उनकी जो यादें हों आपसे रिलेटेड वो बहुत अच्छी हों और वो हमेशा उन यादों को याद करते रहें. सो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के. मेरे सभी वीडियोज़ को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.